आज हरियाणा के कैथल में स्वच्छता, प्लास्टिक फ्री एवं जल संचय के विषय को लेकर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र। इस दौरान उन्होंने एक दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित अध्यापकों और अधिकारियों को आह्वान करते हुए कहा कि सभी अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर अपने हरियाणा प्रदेश को स्वच्छ एवं खुशहाल बनाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सपने को साकार कर सकते हैं। विद्यालय का उदाहरण दिया और वो विद्यालय पूरे देश भर में प्रथम रहा, तो हम सब मिलकर के उस विद्यालय के लिए, उस प्रधानाचार्य के लिए वंदन अभिनंदन के लिए तालियां बजा करके उनका स्वागत करेंगे और अगली बार मेरे विद्यालय का नाम इस रैंकिंग में आए, इस श्रेणी में आए, इस प्रकार का संकल्प, इस प्रकार का भाव अपने मन में लेकर के जाएंगे, तो जो विचार, जो लक्ष्य, जो ध्येय रख करके आज इस कार्यशाला का आयोजन किया है वो आयोजन परिपूर्ण हो सकेगा। आदरणीय शिक्षक वरिंद्र, इतिहास पर यदि हम नजर डालें तो हम सबको ध्यान में आएगा, जब जब भी कोई बदलाव आया, परिवर्तन आया, क्रांति आई, आंदोलन को सफलता मिली, तो उसके पीछे शिक्षक की एक अति महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज ठीक उसी प्रकार का मिशन आंदोलन अभियान जो हमारे प्रदेश में चला हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के नेतृत्व में, उसको हमें उच्च शिखर तक लेके जाना, ये दायित्व हम सब का है। और इस दायित्व में हम एक भाव अपना और जोड़ लें कि इस समय दायित्व को ध्यान में रखते हुए कि मैं यहाँ एक अधिकारी के नाते नहीं, एक कर्मचारी के नाते नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, सामाजिक दायित्व निभाने के नाते इस कार्यशाला में आया हूँ, यदि ये भाव रख करके आप अपने आप को इस अभियान के साथ, इस मिशन के साथ जोड़ने का काम करेंगे तो न केवल आपको आत्मिक संतुष्टि होगी, बल्कि जो हम चाहते हैं, जो बदलाव करना चाहते हैं, जो बदलाव लाना चाहते हैं, उस बदलाव को भी सफलता मिलेगी। अभी जैसे मैंने कहा कि अभी तक जो स्लोगन हमने बोला, जो संकल्प हमने लिया, वो संकल्प हम अपने अपने बच्चों से दिलवाते थे, लेकिन आज देखिए कोई नया विषय लेकर के मैं आपके बीच